नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि बिहार बोर्ड 10th का स्क्रूटनी की प्रक्रिया चालू हो गई है, आप लोग को मैं पिछले वीडियो में बताया था कि 9 अप्रैल से शुरू होगा और 9 अप्रैल से शुरू भी हो गई है। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ कि ऐसा नहीं है कि आँख बंद करके आप लोग स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करना शुरू कर देना, ठीक है। स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करने से क्या होता है, इसका क्या असर आपके वर्तमान रिजल्ट पे पढ़ सकते हैं, वो सारी बातें मैं इसमें शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बाद में भूल जाओगे लाइक करना। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना, ठीक है, पूरा वीडियो देखना, ताकि आप लोग को पूरी बातें समझ में आ सके कि स्क्रूटनी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सारी बातों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो ये जो न्यूज़ है, पहले वो दिया गया है, बिहार मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2019 के नतीजे घोषित किए जाने के बाद मंगलवार से स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे परीक्षार्थी जिन्हें लगता है कि किसी विषय में उन्हें उम्मीद के मुताबिक नंबर नहीं मिले हैं, तो वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है, वैसे विद्यार्थी ही आवेदन करना जिनको लगता है कि आपने तो अच्छा लिखा था लेकिन नंबर अच्छे नहीं आए हैं, ठीक है। अब वैसे विद्यार्थी नहीं जिनका मान लो कि वो सोच रहे हैं कि थोड़ा नंबर बढ़ जाए स्क्रूटनी करने से। ऐसा नहीं है कि स्क्रूटनी करने से आपका नंबर सिर्फ बढ़ेगा ही, हो सकता है कि आपके नंबर स्क्रूटनी के बाद घट जाए। तो स्क्रूटनी करने से पहले बिल्कुल सोच समझ लेना। बोर्ड की सुविधा का लाभ लेने के लिए छात्र आवेदन कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि स्क्रूटनी के आवेदन 18 अप्रैल तक ऑनलाइन भरे जाएंगे। प्रति विषय के लिए ₹70 का भुगतान करना होगा। स्क्रूटनी के लिए आवेदन परीक्षार्थी खुद करेंगे, इसके लिए उन्हें शैक्षणिक संस्थान जाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि आपको स्क्रूटनी का प्रोसेस क्या है। timesnownews.com पे मैं ही बता रहा हूँ। कैंडिडेट्स हु वांट टू अप्लाई फॉर द स्क्रूटनी प्रोसेस कैन चेक दिस सिंपल स्टेप। कैसे कैसे करना है, पहले आपको ऑफिशियल साइट बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पे जाना है। उसके बाद होम पेज पे जाइएगा तो आपको क्लास 10 स्क्रूटनी एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे जाएं, ठीक है, और वहाँ से न्यू पेज खुल जाएगा। उसके बाद रोल कोड डालें, रोल नंबर डालें और पासवर्ड डालें। ये सब करने के बाद आपको एक नया विंडो खुलेगा जहाँ से आपको एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करने के लिए प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, मैं सामने खोल के भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर उस पर नहीं खुल रहा है तो आप bsabinteredu.in पे भी जाके खोल सकते हैं। जैसे मैं bsabinteredu.in पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए आपका ये पेज यहाँ से खुल जाएगा। अब यहाँ देखिए, स्क्रूटनी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले रोल कोड डालना है, फिर रोल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका खुल जाएगा। वहाँ से आपको स्क्रूटनी करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। लेकिन स्क्रूटनी करते समय बिल्कुल ध्यान रखना कि स्क्रूटनी तभी करना जब आपको लगे कि आपका सच में नंबर कम है। हो सकता है कि आप सेकंड डिवीज़न हो, ठीक है, मान लो कि आपका 280 है, 285 है, आप सोच रहे हो कि 15 नंबर मिल जाएगा तो मैं फर्स्ट आ जाऊँगा। हो सकता है स्क्रूटनी के बाद आपके नंबर और कम जाएं, ठीक है, क्योंकि वहाँ कॉपी चेक फिर से नहीं होगा। आपके टोटल नंबर जो है ऐड कैलकुलेशन चेक किया जाता है कि आपको पूरे नंबर के पूरे पड़े हैं या नहीं पड़े हैं। किन्हीं को कॉपी चेक करवाना है तो उसके लिए केस करना पड़ता है, ठीक है, स्क्रूटनी से कॉपी चेक नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि स्क्रूटनी के बाद भी नंबर नहीं सुधरे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको खुद केस दायर करनी पड़ती है, केस करना पड़ता है, उसके बाद ही कॉपी चेक होता है। उसकी मैं एक स्टोरी के वीडियो भी आपको बताया था कि एक लड़की जो केस की थी तो उसका नंबर कैसे बढ़ा था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को और भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।